YouTube फैमिली, वेलकम टू माय YouTube चैनल दी अजमा। आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्तलिफ डिज़ाइन की नेम प्लेट्स बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक रिक्टेंगल लेंगे और उसमें लाइट ग्रे कलर ऐड करके उसे बैकग्राउंड में जाके लॉक कर देंगे ऑब्जेक्ट में। अब हम लोग ड्राइंग टूल में जाके एक रिक्टेंगल टूल लेंगे और इसकी फिलिंग को ऑफ कर देंगे और स्ट्रोक का साइज इंक्रीज कर देंगे और स्ट्रोक के कर्व्स को हम लोग राउंड कर लेंगे और सीजर की मदद से इसकी एक साइड को हम लोग कट कर देंगे। एडिट में जाके कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट कर लेंगे। डायरेक्ट सेलेक्शन टूल की मदद से इसको ड्रैग करके इसका साइज छोटा कर लेंगे। पेन टूल की मदद से हम लोग कुछ इस तरह से इसकी शेप बनाएंगे। सबको सेलेक्ट करके हम लोग ग्रुप कर लेंगे। इन सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करके हम लोग ग्रुप कर लेंगे और माउस से राइट क्लिक करते हुए ट्रांसफर में जाके रिफ्लेक्ट पे जाके इसकी कॉपी बनाएंगे। टाइप टूल की मदद से हम लोग इसमें कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। हम इसमें अपने चैनल का नाम लिखेंगे दी अजमा। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इन सबको सेलेक्ट करके हम लोग माउस से राइट क्लिक करते हुए ग्रुप कर लेंगे। अब हम एडिट में जाके कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट करेंगे और इसकी एक मजीद कॉपी लेंगे या आल्ट को प्रेस करके ड्रैग करेंगे और इसकी एक कॉपी मिल जाएगी। माउस से राइट क्लिक करते हुए हम इसको अनग्रुप करेंगे। इस सब को सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाके हम लोग रैप इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे और इसमें से फ्लैग वाला इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। फ्लैग इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे और आप इसका प्रीव्यू ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने किस तरह की रखनी है। इस तरह आप इसको मुख्तलिफ तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अब हम लोग एडिट में जाके इसकी मजीद कॉपी लेंगे और उसको एडिट करेंगे। अब इसको हम लोग इफेक्ट में जाके रैप इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर से कोई भी इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसको सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाके रैप में जाके हम लोग रैप ऑप्शन करेंगे।
इस तरह हम लोग मुख्तलिफ नेम प्लेट्स बना सकते हैं। इन सब को सेलेक्ट करके हम लोग ग्रुप कर लेंगे। Thanks for watching.